तो दोस्तों आज फिर एक नया दिन और एक नए सफ़र की तरफ, तो स्वागत है आपका, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ का एक स्पेशल व्यू नैनीताल का। ये देखिए रहे हैं और क्या बात है, क्या नज़ारा है, एकदम मस्त। सारे पहाड़ अपने आप में कुछ कह रहे हैं और यही है यहाँ की खूबसूरती। और ये रहा होटल जिसमें मैं रुका हुआ हूँ, ये रहा होटल, बहुत अच्छा है। और ये मेरा कमरा था, अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से फ़िलहाल। तो एल्फिन स्टोन के नाम से ये होटल है, एल्फिन स्टोन के नाम से होटल है दोस्तों। ऐसा व्यू है होटल के बाहर का। तो अभी फ़िलहाल तो चेकआउट कर लिया है कमरे का, बाकी देखते हैं आगे, एक और नए होटल में जाने की तैयारी है। फिर आगे का व्यू भी आपको दिखाएंगे, आगे की बातें दिखाएंगे आपको, क्या होगा आज पूरे दिन, आज अपडेट देंगे हम आपको पूरा। तो चलते हैं दोस्तों। तो गाइस अभी आगे की जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं और फिलहाल मैं जा रहा हूं अभी सात ताल। ये भी एक अच्छा पर्यटक स्थल है और वहाँ की जो चीज़ है राजमा चावल और कढ़ी चावल एक नंबर के हैं, मतलब बहुत मशहूर हैं, लोग स्पेशल उन्हीं को खाने के लिए जाते हैं। तो मैं भी आज किसी ने बताया तो मैंने कहा चलते हैं आज दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे के नज़ारे भी। ट्रैफिक जाम लगा हुआ है इस छोटे से पर्यटक स्थल पर नैनीताल पर, सड़कें बहुत छोटी हैं। आइए, नैनीताल बहुत अच्छा है, घूमिए, मौसम बहुत बढ़िया है, सुहाना मौसम है। और कोशिश कीजिए शुक्र शनि एतवार को तो भूल कर भी मत ना आइए, क्योंकि यहाँ पर जो हालात है ना होटल्स के बिगड़ जाते हैं, रेट डबल नहीं तिबल हो जाता है दोस्तों। तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि मैंने जो भी अभी एक्सपीरियंस लिया है एक दिन का, और इसी के वजह से मैंने अभी अपना होटल चेंज किया है, क्योंकि कल रूम नहीं थे यहाँ पर और बड़े कॉस्टली रूम थे, 7,000-8,000 ऐसे ऐसे रूम थे, और बड़ी मुश्किल से अभी 3,000 रुपये का रूम मैंने दोबारा से चेंज किया है। तो भाई देखिए, हर एक बंदा चाहेगा कि अपनी बचत की जाए, तो ऐसा ही मैंने भी सोचा कि क्यों ना बचत की जाए तो थोड़ी सी। चलिए फिर दोस्तों, ये तो मेरी निजी बातें हो गई, आप बोर हो गए होंगे तो कोई बात नहीं, आगे हम आपको दिखाते हैं आगे का व्यू और नज़ारे। अभी हम रुके हैं सांची रेस्टोरेंट में, अच्छा रेस्टोरेंट है और व्यू देखिए इसका, क्या लाजवाब है। ये देखिए इधर, और इधर हमारे वसीम भाई लगे पड़े हैं, क्या भाई, बच्चों की सेवा में, बच्चों की सेवा में लगे पड़े हैं भाई। हाँ भाई, बच्चों सेवा करवा रहे हो पापा से अपने, हैं? ये देखो, ये चल रहा है, ये खाया क्या खाया आपने पता है ना, ये है मैगी मसाला। तो यही कुछ चल रहा है दोस्तों, एंजॉय कर रहे हैं। इधर मोइज, मोइज तुम क्या बम फोड़ रहे हो, बुड़ूंग, अच्छा। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारे साथ वसीम भाई, उनकी फैमिली, बच्चा पार्टी सब आए हैं, तो ऐसा ही कुछ व्यू दिखाने के लिए मैंने कहा आपको दिखाया जाए। रेस्टोरेंट के बाहर का व्यू है, ये कुछ जगह है, मैं बता नहीं सकता इसके बारे में, लेकिन अच्छी जगह है। ये रेस्टोरेंट है, सांची रेस्टोरेंट के नाम से है, और इधर का व्यू दिखाता हूँ पहाड़ों का, ओहो लाजवाब दोस्तों। देखिए ऐसा है कुछ नज़ारा नैनीताल के कुछ पहाड़ों का। और अभी हमने पराठे खाए हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया थे, और मैगी साथ में, और खा पी लिया मजे का, एकदम लाजवाब पराठे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं सात ताल, ब्रेकफास्ट कर लिया था, टाइम बजा है एक, थोड़ा बीच में रुक गए थे कहीं घूमते फिरते हुए, अब हम सात ताल की तरफ जा रहे हैं। ऐसा कुछ रास्ता है सात ताल का, ड्रावनी सा रास्ता है दोस्तों, मतलब कोई भी बंदा नज़र नहीं आता इस रोड पर, बस हम अकेले ही चले जा रहे हैं, पीछे भी एक दो गाड़ियां आ रही होंगी, खैर अभी तो कोई नहीं है। कुछ ऐसा नज़ारा है इस रोड का दोस्तों। तो चलते हैं सात ताल की तरफ और दिखाते हैं वहां पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या मिलता है खाने के लिए, और कैसा झील है, क्या चीज़ है, सब देखते हैं वहां पर।
अभी फिलहाल पहुंच गया हूं सात ताल। सात ताल का मजा दिखाते हैं आपको दोस्तों भी। कुछ ऐसे नजारे हैं सात ताल के। तो दोस्तों ये है सात ताल का फुल फ्लैश नज़ारा और यहाँ डक भी हैं, आप देख रहे होंगे डक्स। और ये सारा झील का नज़ारा। ये है पैडल वाली बोट, आप इसको ले सकते हो। इसका रेट मेरे ख्याल से 320 रुपये या 400 रुपये के करीब होगा। चार लोग इसमें बैठ सकते हैं। ये है सब नज़ारा, फुल मज़ा है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सारा एंटरटेनमेंट का हिसाब किताब यहाँ पर है दोस्तों। कुछ खाना हो यहाँ के, कढ़ी चावल, राजमा चावल बहुत मशहूर हैं। और ये रही डक्स, उधर एक छोटा सा ब्रिज है पीछे, बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए सारा गेम्स वगैरह यहाँ पर हैं। और एक काफ़ी बड़ी झील है। तो गाइस हमने ली है ये फोर लोगों के लिए वन बोट और हम हैं सेवन लोग, तो इसके अंदर हम अभी इंजॉय करेंगे, इसको चलाएंगे इन बोट्स को। ये देख रहे होंगे आप, सात ताल में अवेलेबल है, 400 रुपए की एक बोट है दोस्तों। तो ये कुछ इस तरीके से दिखती हैं, पैडल से चलेंगे, पैडल से यही है, बस इंजॉय कर रहे हैं अभी फिलहाल। और दिखाते हैं आगे भी आपको क्या है। पहाड़ों का नज़ारा बहुत ज़बरदस्त है और व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है। आप देख लो जी, ये आए हैं भाई साहब हमारे, हमारी पर्ची देखने के लिए। और अभी हमें बताएंगे कौन सी है, छत वाली चाहिए चार लोगों को, जिसमें छत हो, धूप से बच जाएँ। तो दोस्तों चलाते हैं और दिखाते हैं आपको कैसा नज़ारा है। फाइनली दोस्तों हमने बोट ले ली है और अब हम चालू हो चुके हैं, अपनी राइड को शुरू कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा कुछ है व्यू और आप देख रहे होंगे। ओह तो अभी हमारी बोट स्टार्ट हो गई है, मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं इस टाइम। और ये दोस्तों ये बोट, बहुत ताकत लगाना पड़ता है इसमें, है ना। तो हम चल पड़े हैं अपने सफर पर, एंजॉय कर रहे हैं। और झील का पानी लाजवाब है, ये देखिए झील का पानी लाजवाब है, ठंडा चिल्ड वाटर है एकदम। व्यू बड़ा प्यारा है दोस्तों। काम तो बहुत मेहनत का है, इसको बोट को चलाना इतना आसान नहीं है। हम सोच रहे हैं कि बहुत आराम से चल जाएगी, लेकिन बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है इसको चलाने के लिए। तो दोस्तों अगर आप आए नैनीताल तो जरूर मजे लीजिए, सात ताल जरूर आइए। और ये झील अपने आप में एक बहुत बढ़िया झील है और इसका व्यू एक नंबर मज़ेदार है, ज़बरदस्त है। तो मुझे तो भाई ये बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी आइएगा नैनीताल तो इंजॉय कीजिएगा आकर। सात ताल जरूर आइएगा। और ये बोट चार लोगों के लिए है, 400 रुपए में मिलती है। और एक दूसरी बोट है जो चलाई जाती है ड्राइवर के साथ, जो उसके अंदर ऑलरेडी ड्राइवर होते हैं, तो वो मिलती है 320 रुपए की शायद है। एक राउंड मारते हैं, हाफ राउंड कुछ इस तरीके का है। तो यही सब है। तो आज हामिज बाबू कुछ खा रहे हैं ये। अरे भाई क्या खिला रहा है हामिज, बता दो। हैं हामिज खिला रहा है आज मुरमुरा, ये देखो।
हामिज खिलाओ, दोनों हाथों से डालो। खिलाओ पूरी प्लेट डाल दो, हामिद डाल दो। यस वाओ गुड। तो दोस्तों डक के लिए मुरमुरा खिलाया बच्चों ने। दोस्तों चलते हैं, अभी 7 साल से कड़ी चावल खा लिए हैं और अब चलते हैं गाड़ी में। अरे भैया चलो भाई चलो, खान पान हो गया है, फुल मस्ती मार ली है, अब निकलते हैं नैनीताल के लिए। दोस्तों कड़ी चावल बहुत ज़बरदस्त थे और ख़ास तौर से अगर मैं कहूँ तो कड़ी एक नंबर थी। राजमा इतना अच्छा नहीं था लेकिन कड़ी बहुत लाजवाब थी, उमदा, और एक थाली भी लिया था, मज़ा आ गया उसमें भी। तो चलें दोस्तों अब नैनीताल के कुछ बचे कुछ नज़ारे दिखाते हैं आपको। ये है 7 ताल, और दोस्तों कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि बज्जी जंपिंग वगैरह और क्या कहते हैं उसको, जिप लाइन वगैरह, और ये कुछ नाव का आप देख रहे हो, नाव वगैरह भी चलाई जाती हैं, खुद से भी चलाई जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ नज़ारे हैं 7 ताल के, लेकिन 7 ताल जो है वो पीस एरिया है बिल्कुल, इसके बारे में कहूँगा कि यहाँ पर कोई ऐसा ज़्यादा वो नहीं है, रेट वगैरह भी सारे ठीक ही हैं। ये रहा 7 ताल का कुछ नज़ारा। तो अभी निकल रहे हैं दोस्तों वही नैनीताल की तरफ, देखते हैं आगे का क्या क्या होता है आज। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और हम 7 ताल से वापस आ गए हैं और अभी शाम हो गई है, देख रहे होंगे अभी आप। अब हम खड़े हैं मॉल रोड पर और अभी जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो यही नज़ारा है, आप देखिए दिल्ली दरबार डिलक्स होटल भी यहाँ पर है, रेस्टोरेंट। तो मॉल रोड का मज़ा ही कुछ और है। और लेक व्यू झील जो है, लेक जो है वो भी शांत हो गया है, पब्लिक यही है। और वसीम भाई अपने बच्चों को घुमाते हुए अपनी गाड़ी में, मतलब ट्रॉली में, यही सब चल रहा है। मॉल रोड का मज़ा कुछ और है, शाम को 6 से 8 बजे तक ट्रैफिक बंद रहता है, आम पब्लिक के लिए खुल जाता है मॉल रोड, ताकि आप आराम से घूमें फिरें एंजॉय करें, कहीं पे कुछ है तो कहीं पर कुछ है। दोस्तों यही सब मज़े हैं और ये क्लासिक होटल है मॉल रोड का जो देख रहे होंगे सामने। तो सोचा कि रात का ही कुछ आपको व्यू दिखा दिया जाए मॉल रोड का। ये होटल है क्लासिक, यहाँ का बहुत महंगा होटल है, अभी 7,000 रुपये GST प्लस अलग से है। ये क्लासिक आप देख रहे होंगे ये होटल। तो ऐसा है व्यू मॉल रोड का। मॉल रोड का नज़ारा नाइट में संडे की रात। तो दोस्तों मज़ा आ गया मॉल रोड पे। आज हमारा दूसरा दिन है नैनीताल में, कल सुबह हम चेकआउट करके दिल्ली के लिए वापसी करेंगे। ओह वाओ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और अंकल जी गाना गा रहे हैं। आप ही हो,
लगता है। मॉल रोड का नज़ारा कुछ है दोस्तों, ये लोग हम आम पब्लिक के लिए एक अच्छा सॉन्ग गा रहे हैं, ओल्ड वेरी नाइस अंकल जी की तरफ से। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों, अभी अंकल जी बड़े अच्छे आवाज़ में एक पुराना गाना गा रहे थे आम पब्लिक के लिए, और बस अपना टाइम लोग पास करते हैं शाम को नैनीताल के इस मॉल रोड पर। आज भीड़ कुछ कम दिख रही, कल के मुकाबले हो सकता है अभी थोड़ी बढ़े, तो कल बहुत भीड़ थी। तो अभी हम लोग जाएंगे उधर, देखते हैं कुछ। और इधर ये वसीम भाई का बच्चा पार्टी बहुत एंजॉय कर रही है। हाँ भाई, एंजॉय कर रहे हो? सबको सबको सलाम कर दो। तो दोस्तों बच्चे आज फुल एंजॉय कर रहे हैं, दोनों ने सेम ड्रेस पहना है। और अभी हम निकलेंगे अभी मॉल रोड पे, आगे भी देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर आगे। दोस्तों चाइना टाउन का नज़ारा देख लीजिए, अंदर से किस तरह भीड़ है, फुल भीड़ दबाकर चल रही है यहाँ भीड़। और अभी हमें ऑर्डर दिया है, एक नूडल्स मंगाए हैं, और ये देखिए आप बहुत बढ़िया ये चीज़ें हैं। हाँ भाई, पीछे किचन चल रही है दबाकर, छोले फूट रहे, हर चीज मिल रही है चाइना टाउन के अंदर, फुल मस्ती से भरा हुआ चाइना टाउन है। साउथ इंडियन ले लो, चाइनीज आइटम ले लो, कुछ भी ले लो, आपको यहाँ सारा कुछ मिलेगा। और एक जो डोसा आया है दोस्तों, आप देख रहे हैं, तो ये एक और मनचाओ सूप मंगाया है हमने। ये देखो आप, मार्केट है, भूतिया मार्केट भी है यहाँ, और नैना देवी मंदिर भी है दोस्तों इधर, मशहूर लोग आते हैं, तीर्थ स्थल है एक काफ़ी बड़ा। और ये पूरी मार्केट है कपड़े की, और सामने देख रहे हो पीछे आप लोग पहाड़ के ऊपर, ये टिमटिमाती हुई लाइटें, ये सब नैनीताल के लोगों के घर हैं। और कितने बढ़िया लग रहे हैं यहाँ से देखने में, वाकई नैनीताल की बात ही निराली है दोस्तों। तो यही है दिखाने के लिए, और अब रात भी काफ़ी हो गई है दोस्तों, क्योंकि 8:15 बज चुके हैं, मार्केट भी अभी बंद होने वाली है। और मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ये रहा मंदिर, नैना देवी मंदिर, जो कि काफ़ी मशहूर मंदिर है, जो कि काफ़ी मान्यता मानते हैं इसको, मंदिर को आप देख रहे होंगे। मैं आप बाहर से ही दिखा पा रहा हूँ आपको, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया और मैं अभी अंदर नहीं जा सकता, तो इसलिए आपको सोचा कि इसका दर्शन करा दूँ। तो ऐसा कुछ मंदिर है दोस्तों ये, और इधर भी मार्केट है। आप नैनीताल की कुछ चीज़ें लेके जाएं, बढ़िया से बढ़िया, वो सब आपको यहाँ मिलेंगी देखने के लिए, सब शॉप पे, बच्चों के खिलौने, कपड़े, कुछ भी ऐसी आइटम। और सामने पहाड़ के ऊपर ये टिमटिमाते घरों की लाइटें, बहुत अच्छा व्यू है दोस्तों। और इधर ये लेडीज सूट वगैरह सब कुछ अवेलेबल इस मार्केट में। इधर एक गुरुद्वारा भी है काफ़ी बड़ा, और माशाल्लाह सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद। नैनीताल की एक मस्जिद है, वो मैंने पहले ब्लॉग में आपको दिखाई थी, तो बस यही है दोस्तों नैनीताल का नज़ारा, नाइट लाइफ, नाइट मार्केट और नाइट लाइफ जो भी है ये। तो दोस्तों चलने की तैयारी की जाए, क्योंकि लेट हो गए हैं काफ़ी, और ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद, गुड नाइट।